वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज हमारे ट्यूब के हो गए हैं 500 किलोमीटर पूरे और इसकी चेन हो गई है खल्ली, मतलब कि ढीली हो गई है। तो आपको दिखा देता हूँ कि इसकी चेन मतलब कितनी ढीली हो गई है। देखो तो इसकी चेन हो गई है ढीली, तो आज चेन सर्विस करवाने जाएंगे और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगवाना है, तो जाना पड़ेगा अभी सर्विस स्टेशन। तो फटाफट से चलते हैं बिना किसी देरी के। और क्या हाल चाल आप लोगों का गाइस, तो दिखा देता हूँ अभी कि 500 किलोमीटर हो गए अपने ड्यूक के। तो देख लीजिए गाइस, 523 किलोमीटर हो गए हैं और फ्यूल भी डलवाना है, तो फटाफट से चलते हैं अभी सर्विस स्टेशन। गाइस आ गए सर्विस सेंटर पे। तो ये रहा सर्विस सेंटर, ये है SG हाईवे सर्विस सेंटर KTM का, और वो कौन सी बाइक आती है, पिलियन करके आती है कुछ का, तो देख लीजिए। मतलब आगे तक दिखा देता हूँ, रुको। तो उनका जो बंदा है वो खाना खाने गया है, तो उसको खाना खा लेने देते हैं और उसके बाद जल्दी से करवाते हैं चेन सर्विस, फिर जाते हैं घर पे, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम है। तो फटाफट से चलते हैं अंदर वेटिंग लॉबी में। आ गए हैं वेटिंग रूम में और वेटिंग रूम में वेट ही कर रहे हैं और सभी लोग खाने गए हैं, तो उनको खाने देते हैं, उसके बाद वो चेन सर्विस करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम घर। घर जाके फटाफट से हम भी कर लेंगे नाश्ता वास्ता जो भी करना है, पहले अपनी ड्यूक को नाश्ता करवाएंगे, क्योंकि उसमें भी देखो ये रही हमारी ड्यूक। तो गाइस वो भी अभी तक भूखी है बेचारी, को पेट्रोल खिलाना पड़ेगा। तो आके वो लोग चेन सर्विस करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर। घर जाने से पहले हम ड्यूक को नाश्ता करवाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो खाना खाने के बाद वो बंदा आ गया, मतलब कि जो चेन सर्विस करेगा, वो अभी बाइक को रख रहा है लगभग साइड में या कहाँ ले जा रहा है पता नहीं। मैं भी वॉशिंग करवाने ले गया है, तो चेन सर्विस अभी कराएंगे फटाफट। वॉशिंग करवाने ले गया तो उसको वॉश करने देते हैं, उसके बाद आता है फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इधर कर दिया है चेन को लूप और अभी जा रहा है चेन टाइट करवाने को बंदा, तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस आ चुके हैं सर्विस सेंटर से और चेन सर्विस एकदम कंप्लीट हो गई, और हमारे साथ एक अच्छी बात भी हुई और एक बुरी बात भी हुई, दोनों बात हुई तो वो भी आपको बताता हूँ। और हाँ, हमने इसको नाश्ता करवाना था अपनी ट्यूब 390 को, तो उसको नाश्ता भी करवा दिया है, और अभी वो बात बताता हूँ जो कि एक अच्छी बात और एक बुरी बात है। तो गाइस बुरी बात ये हुई कि आपको दिखाता हूँ अभी कि जो स्क्रीन प्रोटेक्टर था वो नहीं लगा, पता नहीं क्यों नहीं लगा, बट नहीं लगा स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो ये एक बुरी बात है, और अच्छी बात ये हुई कि
हम तो इसके KTM के ओरिजिनल इंडिकेटर मिल गए हैं, और सॉरी गाइस नॉइज़ आ रहा होगा, तो ओरिजिनल इंडिकेटर मिल गए हैं। तो अब तेल टेडी का काम शुरू हो जाएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में तेल टेडी का काम करेंगे और स्क्रीन प्रोटेक्टर का भी काम कर देंगे, और अभी आएगी इसकी सर्विस तो वो भी ब्लॉग बनाएंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि हमको लगी है भूख, हमने भी बोला था कि हमको नाश्ता करना है, तो फटाफट से घर पे जाके नाश्ता करेंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में।